मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये हमारा फर्स्ट पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर में, और इस फर्स्ट पेपर में जैसा हमें पता है कि इस पेपर में चार यूनिट हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट। जो पेपर हमारा 33 नंबर का है, तो इस पेपर की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट जो है, उस फर्स्ट यूनिट का जो पहला पार्ट है या फर्स्ट चैप्टर है, हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन एंड जनरल करेक्टर्स ऑफ वायरसेस। टाइटल उसका है इंट्रोडक्शन एंड जनरल करेक्टर्स ऑफ वायरसेस। तो इस टॉपिक पर आज हम वर्चुअल लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर है, पहला वर्चुअल लेक्चर है। तो क्या होता है वायरसेस? अगर वायरसेस को अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, तो वायरसेस आर मोस्ट प्रिमिटिव ए सेलुलर एंड नॉन साइटोप्लाज्मिक इन्फेक्शियस एजेंट्स। यानी अगर हिंदी में जाने उसको, तो वायरसेस क्या होते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव ए सेलुलर, सबसे पुराने और कोशिका विहीन, यानी वायरस को सेल भी नहीं माना था क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है। एंड नॉन साइटोप्लाज्मिक, यानी इसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, और साथ साथ दे आर इन्फेक्शियस एजेंट्स, ऐसे कारक जो इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं या डिजीज कास कर सकते हैं, हम अगर सामान्य भाषा में जाने तो। सबसे पहले डीजे आइवानोवस्की ने 1892 में वायरस को डिस्कवर किया था। इसके बाद बीजरनिक, अगर देखो तो बीजरनिक ने जो 1898 में वायरस टर्म को क्वाइन किया था या वायरस टर्म बताया था। अगर वायरस को, वायरस एक लैटिन शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है वेनम, या इसको हम कह सकते हैं वायरसेस आर पॉइजनस फ्लूड, या इसका हिंदी मतलब होता है पॉइजनस फ्लूड या जहरीला द्रव। इसके बाद डब्ल्यू एम स्टेनले एक और वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1935 में फर्स्ट टाइम वायरस का केमिकल नेचर बताया था। उन्होंने कहा था कि दे आर मेड ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी वायरसेस जो है वो न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो वायरसेस को अगर हम स्टडी करना चाहें, तो वायरसेस इतने स्मॉल होते हैं कि उनको अपने नेकेड आई से या नग्न आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी सूटेबल नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या वो माइक्रोस्कोप जिसके अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा 12th में, तो जो माइक्रोस्कोप हम लैब में यूज करते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है। उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से भी वायरसेस को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। तो उनको देखने के लिए या उनको स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़रूरी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखें वायरस को, तो वायरसेस जो है बने होते हैं बहुत सारे यूनिट से, बहुत सारी स्मॉल यूनिट से, बहुत छोटी छोटी इकाइयों से, जिनको बोलते हैं वायरियोन्स। जैसे अगर रूम है, कमरा है, अगर उसकी यूनिट देखो तो एक रूम की यूनिट क्या होगी? रूम की यूनिट होगी एक ब्रिक या एक ईंट। इसी प्रकार से जो वायरसेस हैं, तो वायरस की जो यूनिट है वह है वायरियोन, उसको कहा था वायरियोन। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। वायरस की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं वायरोलॉजी, और ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे साइंटिस्ट जो वायरस की स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं वायरोलॉजिस्ट। अब हम इसके जनरल करेक्टर्स अगर देखें या सामान्य लक्षण अगर देखें, तो वायरसेस कैसे होते हैं? वायरसेस आर ए सेलुलर है, नॉन साइटोप्लाज्मिक, यानी इसके अंदर सेल भी नहीं होती, नॉन साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म भी नहीं होते, और साथ साथ जैसे हमें पता है कि वायरसेस कैसे होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। अभी वर्तमान समय में कोरोना वायरस, COVID-19 का प्रकोप पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है। यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन से या एक रोगी पुरुष से किसी हेल्दी पर्सन तक आसानी से पहुंच जा रहा है। अगर जो दूसरा करेक्टर अगर देखें वायरसेस का, तो वायरस का दूसरा जो करेक्टर है, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी इनका अगर साइज देखो तो बैक्टीरिया से भी छोटे होते, और दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। यानी वायरसेस को अगर हम बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से अगर छानना चाहें, तो वो उससे छनने वाले नहीं है, क्योंकि उनके साइज वायरस
बैक्टीरिया से कई गुना छोटा होता है। अगला करेक्टर अगर देखो तो जनरल करेक्टर है, दे कैन ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम डिजीज टू हेल्दी ऑर्गेनिजम्स। तो वायरस का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो रोगी से स्वस्थ जीव के अंदर या स्वस्थ ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज को ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट करेक्टर है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग होस्ट सेल्स। तो वायरस का एक और करेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट, जैसे हमें पता है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, या हिंदी में उसको हम बोलते हैं अभिकल्पीय परजीवी, यानी ऐसे परजीवी या ऐसे पैरासाइट जिनका कोई विकल्प ना हो। तो विकल्प का यहाँ से मतलब, यहाँ पर विकल्प से मतलब है होस्ट का, कि जैसे अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो जो कोरोना वायरस है या COVID-19 है या SARS-CoV-19 है, जो वायरस है वो केवल ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में ही अपना रोग उत्पन्न कर सकता है, वो किसी दूसरे जीव के अंदर अपना रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि COVID-19 जो वायरस है वो मनुष्यों के अलावा दूसरे जीव जंतुओं में, चिड़िया है, पक्षी है या कोई दूसरा जानवर है, उसके अंदर रोग उत्पन्न कर पाए। तो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब यहाँ पर यही है कि वो होस्ट स्पेसिफिक है, यानी उनका जो होस्ट है वो फिक्स है। एंड दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग होस्ट सेल्स। तो वायरसेस जो है केवल लिविंग होस्ट सेल्स में ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डेड लिविंग सेल्स में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो इसलिए वायरस को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है दूसरे पैथोजेंस की तुलना में, क्योंकि वायरसेस को क्या चाहिए, वायरस को चाहिए जो होस्ट वो लिविंग कंडीशन में ही होस्ट चाहिए, डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस मल्टीप्लाई नहीं करते। तो इसलिए जो कोरोना वायरस है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसको भी चाहिए जिंदा आदमी या जिंदा पुरुष, डेड के अंदर वो सर्वाइव नहीं करता या मल्टीप्लाई नहीं करता। इसी प्रकार से अगला करेक्टर है, वायरसेस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर DNA और RNA। तो वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया था, चाहे वो DNA हो या RNA हो, दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA एक साथ एक वायरस में नहीं पाए थे। अगला करेक्टर है, वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक एंड कैन कॉज इन्फेक्शन इन ए पर्टिकुलर स्पीसीज। वायरसेस क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, या जैसा हमने बताया कि उसका होस्ट निश्चित है, क्योंकि जो वायरस जैसे कोरोना वायरस है तो वो केवल ह्यूमन बींग्स में ही रोग उत्पन्न कर सकता है, इसके अलावा प्लांट्स में अपना रोग नहीं उत्पन्न कर सकता या दूसरे एनिमल्स के अंदर अपना रोग नहीं उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार से जो प्लांट वायरसेस हैं वो प्लांट वायरसेस भी एक विशेष प्लांट में ही अपना रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे येलो बेन मोज़ेक एक वायरस है वो भिंडी में अपना रोग उत्पन्न करता है, या TMB का नाम उन्होंने सुना होगा, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस केवल तंबाकू में ही रोग उत्पन्न करता है, उसके अलावा दूसरे जो प्लांट हैं उनमें रोग उत्पन्न नहीं करता। तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और केवल उसी प्लांट में या उसी एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये भी वायरस की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगला अगर जनरल करेक्टर देखें तो वायरसेस दे आर इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल डोजेज। तो वायरसेस को अगर देखो तो वायरस को इन्फेक्शन काज करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा नहीं चाहिए, एक ड्रॉप भी पर्याप्त है वायरस का इन्फेक्शन करने के लिए। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट करेक्टर देखें तो वायरसेस के अंदर हाई रेजिस्टेंस पावर होती है अगेंस्ट सर्टेन जर्मिसाइड्स एंड दे आर कैपेबल टू रेजिस्ट एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस। तो अगर वायरस को देखा जाए तो वायरस के अंदर बहुत सारे जर्मिसाइड्स या बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स या बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर होती, यानी उन वायरसेस पर इन एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, और साथ साथ जो एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस हैं उन एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस में भी वायरस आसानी से रजिस्ट कर जाते हैं या आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस, जैसे कहा जाता था कि कोरोना वायरस इंडिया में नहीं आएगा या इंडिया में आएगा तो बहुत प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में टेम्परेचर मई जून में बहुत हाई रहता है, जबकि जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वेदर कोल्ड होती है वहाँ पर इसका प्रकोप ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं गया। इंडिया में भी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा प्रभावी है, उतना ही प्रभावी जितना दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसका प्रकोप रहा।
तो यानी फिजिकल एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकता है, चाहे वेदर बहुत कूल हो या वेदर बहुत हॉट हो, उसका बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जो अंतिम जनरल करेक्टर है, तो वायरसेस की जो नेचर है वो बहुत मिस्टीरियस है। वायरस को माना जाता है दे आर हैविंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टर्स, तो वायरसेस के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के करेक्टर्स पाए थे, इसलिए इसका नेचर भी बहुत ज़्यादा जटिल है इन कंपेरिजन टू अदर पैथोजेंस। अगर जैसा हमने देखा कि इसका नेचर बहुत मिस्टीरियस है, बहुत जटिल है, तो अगर नेचर ऑफ वायरसेस अगर देखें तो नेचर ऑफ वायरसेस ऑफ बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, तो वायरस को माना जाता है कि ये इनके अंदर जो इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, वो लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच की है। यानी वायरस के अंदर लिविंग करेक्टर्स भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग करेक्टर्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए वायरस को कंट्रोल करना या वायरस को इरेडिकेट करना बहुत आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो पूरी दुनिया में जो प्रकोप है कोरोना का, कोरोना भी एक वायरस है कोविड-19, उसको इतना आसान अब तक कंट्रोल निश्चित रूप से कर लिया गया होता। लेकिन चूँकि इसके जो करेक्टर्स हैं, इसका नेचर है, वो बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए इसको बहुत आसान से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और आज तक जितने भी वायरस हुए, जैसे पढ़ा होगा एड्स भी एक वायरल डिजीज़ है, और आज तक उसका कोई भी कारगर इलाज या कोई भी कारगर वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई है। तो लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस की एक अच्छी से वैक्सीन या जल्दी जल्दी बन जाए और सबको मिल जाए। फिलहाल तो वायरस को जो नेचर है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बिटवीन का है, यानी इसके अंदर लिविंग करेक्टर्स भी हैं और साथ साथ नॉन लिविंग करेक्टर्स भी हैं। तो अगर पहला हम लिविंग करेक्टर अगर देखें, तो लिविंग करेक्टर में सबसे पहला जो लिविंग करेक्टर है, जो कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीवित है, तो जीवित होने का प्रमाण सबसे बड़ा क्या है कि उसमें रिप्रोडक्शन होता है या उसमें जनन होता है। तो वायरसेस के अंदर भी दे आर स्विंग रिप्रोडक्शन, यानी वायरस के अंदर भी रिप्रोडक्शन या जनन होता है, यानी उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये रिप्रोडक्शन होना एक बहुत बड़ा लिविंग करेक्टर है। इसी प्रकार से जो दूसरा जो लिविंग करेक्टर है वो है दे आर स्विंग म्यूटेशंस, वायरसेस के अंदर म्यूटेशंस पाया जाता है। जैसा हमें पता होना चाहिए कि म्यूटेशंस क्या होते हैं, दे आर सडन जेनेटिक चेंजेस, यानी अकस्मात होने वाले हेरिटेबल चेंजेस। तो जो म्यूटेशंस होते हैं वो भी केवल लिविंग के अंदर संभव है, नॉन लिविंग अगर कोई चीज़ है तो उसमें म्यूटेशन नहीं हो सकते। इसी प्रकार से नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। तो थर्ड करेक्टर है जो ये प्रूव करता है कि वायरसेस लिविंग है, वो है दे आर हैविंग जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA और RNA। तो जैसा मैं पढ़ा अभी कि वायरस के अंदर वायरसेस क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, यानी उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया था। तो न्यूक्लिक एसिड वास्तव में क्या है, वास्तव में न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल चाहे वो DNA हो या RNA हो, वो केवल लिविंग के अंदर ही मिलता है, डेड के अंदर नहीं पाया था। तो जेनेटिक मटेरियल का पाया जाना भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है काय का, इसके लिविंग होने का। तो इसी प्रकार से एक और जो नेचर है वायरस का, वो ये है दे आर शोइंग रिफ्लेक्शन ऑन हीट एंड रेडिएशंस। तो अगर वायरस को अगर हीट दी जाए या रेडिएशंस दिए जाएँ, तो क्या होगा, उसके प्रति वो रिफ्लेक्शंस वो करता है, उसमें प्रतिक्रियाएँ होती हैं, क्योंकि डेड के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन हीट या रेडिएशंस पर नहीं हो सकता। तो ये कुछ करेक्टर्स थे जो ये प्रूव करते हैं कि वायरसेस दे आर लिविंग, यानी वायरसेस लिविंग हैं। अब अगर हम नॉन लिविंग करेक्टर्स अगर देखें, तो वायरसेस का जो नॉन लिविंग करेक्टर, जो पहला नॉन लिविंग करेक्टर है, दे कैन क्रिस्टलाइज लाइक दैट ऑफ शुगर क्रिस्टल्स। तो वायरसेस को शुगर क्रिस्टल्स के समान, यानी चीनी के दानों के समान, यानी चीनी के क्रिस्टल्स के समान क्रिस्टलाइज किया सकता है। जबकि हमें पता है कि कोई भी लिविंग है उसको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, जबकि वायरस को चीनी के दानों की तरह क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो चीनी के क्रिस्टल बनते हैं शुगर केन के जूस से, तो शुगर केन का जूस या गन्ने का जूस लिविंग नहीं होता। तो वायरस के भी क्रिस्टल बन सकते हैं बिल्कुल वैसे जैसे चीनी के क्रिस्टल बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा एविडेंस है इनके नॉन लिविंग नेचर का। इसके अलावा जो दूसरा नॉन लिविंग जो नेचर है वो है दे आर स्विंग
नो रेस्पायरेशन, यानी वायरसेस के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता, यानी श्वसन नहीं होता। तो अगर किसी में श्वसन ना हो, अगर हम लोगों में श्वसन बंद हो जाए तो क्या होगा, हम लोग डेड माने जाएंगे या नॉन लिविंग माने जाएंगे। तो वायरसेस भी रेस्पायरेशन शो नहीं करते, यानी वो डेड नेचर शो करते हैं। इसी प्रकार से जो अगला नॉन लिविंग कैरेक्टर है, दे आर शोइंग नो मेटाबॉलिज्म, यानी वायरसेस के अंदर मेटाबॉलिज्म या उपापचय नहीं होता। पढ़ा होगा इंटर में उपापचय या मेटाबॉलिज्म। तो क्योंकि वायरसेस को एनर्जी के लिए होस्ट सेल पर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी होस्ट सेल की एनर्जी को ही वो कंज्यूम करता है, इसलिए उसकी अपनी कोई मेटाबॉलिक मैकेनिज्म नहीं होती। तो मेटाबॉलिज्म का ना होना भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है इसके नॉन लिविंग होने का। इसी प्रकार से जो अगला नॉन लिविंग कैरेक्टर है वो है, दे आर हैविंग नो सेल वॉल। क्योंकि ए सेलुलर होते तो उस वायरसेस के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो वो भी एक प्रमाण है इसके नॉन लिविंग नेचर का। और जो अंतिम नॉन लिविंग नेचर है या नॉन लिविंग कैरेक्टर है वो ये है, दे बिहेव लाइक ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल आउटसाइड द होस्ट सेल। यानी वायरसेस जो हैं होस्ट सेल के बाहर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के समान बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं जैसे कोई ऑर्गेनिक केमिकल हो, ना कि कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई जीव हो। तो जैसे केमिस्ट्री का बहुत सारे केमिकल तुमने देखे होंगे, तो वो क्या है, दे आर ऑल डेड, वो सब डेड हैं। उसी प्रकार से वायरस भी होस्ट के बाहर एक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के समान बिहेव करता है। तो ये कुछ लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स थे जो वायरसेस के अंदर साइमल्टेनियसली पाए जाते हैं, एक साथ दोनों कैरेक्टर मिलते हैं, लिविंग भी मिलते हैं और नॉन लिविंग भी मिलते हैं। तो इसलिए वायरस की जो नेचर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है इन कंपेरिजन टू अदर पैथोजेंस। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वायरसेस को कंसिडर किया था, दे आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एज दे आर स्विंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग नेचर। तो चूंकि वायरसेस के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के नेचर पाए थे, तो इसलिए माना जाता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बिटवीन एक लिंक है या कड़ी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वायरसेस, इंट्रोडक्शन एंड जनरल करेक्टर्स ऑफ वायरसेस, यानी वायरस का इंट्रोडक्शन और वायरस का जनरल करेक्टर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत से डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, आप लोग फ्री हो पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।